हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो मैं आपके साथ हमेशा फन फील्ड और फ्री एक्टिविटी शेयर करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग रियली क्रिएटिव। वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिव विथ कोड। अभी इसके लिए करना क्या है, हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ सेट ऑफ कोड ही लिखना है। तो उससे क्या करेगा, हमारा कंप्यूटर होगा वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। अभी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कैसे करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इसके लिए मैंने सेपरेट एक लेक्चर बनाया हुआ है, हाउ डज कंप्यूटर वर्क। तो आप वो हमारा ऊपर आई बटन में शो हो रहा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अभी बात आती है कि अभी हम लोग क्रिएटिव कैसे होंगे, तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, तो लेट मी टेल यू ओवर हियर वॉट यू हैव टू डू। यू हैव टू जस्ट सी एंड थिंक इन योर माइंड माई डियर स्टूडेंट। जब भी आपको अपनी पेंटिंग को या अपनी ड्राइंग को या अपनी स्केचिंग को बहुत अच्छा करना होता है, तो आप उसमें कलर ऑफ पेंट ऐड करते हैं। सेम हियर यू हैव टू राइट योर कोड और यू हैव टू राइट समथिंग। सेम हियर वॉट काइंड ऑफ वर्ड्स यू राइट विच really can express your creativity, the same we are going to do over here. So get up and dance. Now here ma'am is saying, what is get up and dance? Yes my dear student, today we are going to be creative with dancing. Now what we have to do, yes today we are going to see how we can combine the code with dancing in a very creative mode. So, ये आज की जो एक्टिविटी है आपके लिए बहुत ही फन फील्ड होने वाली है। और यस माय डियर किड्स, इन द लास्ट आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप मिलने वाली है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। टिल देन वी क्रिएटिव डांसिंग। बिफोर बिगिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी जो भी मैं कुछ भी नया लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव टू राइट अ कोड फॉर डांसिंग। ओके, अभी ये जो डांसिंग है थीम आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके की आपकी थीम रखना है, तो उसी तरीके का आपको कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। अगर आप थीम की बात करो तो मैं इधर आपको आइडिया दे सकती हूँ कि आपको रेन फॉरेस्ट थीम रखना है, ब्लॉक पार्टी रखना है, एलियन थीम्स रखना है, जोगा थीम रखना है, ट्रेन स्टेशन रखना है, सिटी नाइट्स रखना है। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू चूज द करेक्टर अकॉर्डिंग योर इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग योर चॉइस। ओके, आप किस तरीके की अपनी थीम कोरियोग्राफ करना चाहते हो और किस तरीके के कैरेक्टर आपको, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आपको यूज करना है, ये आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए। सो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू ओवर हियर, यू हैव टू जस्ट टेक वन पेंसिल एंड पेपर एंड ड्रॉ ऑन द पेपर व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम दिस क्लास। लेटर ऑन व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, डिफरेंट डांसर्स को हमें चूज करना है, ठीक है, ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। आपको म्यूजिक अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है और अपने जो ये जो डांसिंग मूव्स हैं उनको इंटरेक्टिव रखना है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। हियर आई यूज्ड एडिटर code.org। ओके, आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं, पर जो मैंने आपसे बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इन द लास्ट आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आज आपको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मैंने code.org को ही यूज किया है, ठीक है, तो आपको वही एडिटर यूज करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इधर हमारा जो दिस पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं What this is? This is our workspace, ठीक है? There are three portion in the code.org editor, okay? One is workspace, another is a toolbox. Toolbox that means we have to just drag and drop the thing, okay? And third one where we have to see our final result after playing run button, okay? But more thing I have to tell over here, if working professional attending this class or maybe the students really belongs to like 10th standard or 12th standard, so what you have to do, you have to write a code in such a way like this. You have to click on the show code. So here as you can see, you no need to write the code in blockly mode. आपको इस तरीके से coding way में ही properly, आपने जिस तरीके से अपनी coding language आपने सीख रखी है, programming language सीख रखी है, आपको उसी तरीके से अपने code को लिखना है। और आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैंने फंक्शंस का यूज करके, फंक्शंस दैट मी डू समथिंग, आपको इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या वेरिएबल होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या ऑपरेटर्स होते हैं, इस तरीके से आप जाके चेक करेंगे तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेट सी अवर आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट वी हैव जस्ट ड्रैग एंड आउट। सो मेक अ न्यू कैट एट सेंटर। सो हियर वी वांट वन
cat in center. So when I'm clicking on the run button, so as you can see, it's working. नाउ धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी लेवल को अपने बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग दो करेक्टर यूज कर सकते हैं, फोर करेक्टर यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग डांस मूव चेंज कर सकते हैं. सो बी विद मी, लेट्स सी. लेट्स सपोज वी आर डांसिंग ओवर हियर. अब हम लोग चाहते हैं हमारे ये जो डांसिंग के मूव्स हैं वो म्यूजिक के साथ भी मैच करें, तो उसके लिए हमें इवेंट्स की जरूरत होती है. अब ये इवेंट्स क्या होता है, दैट मीन लिसन फॉर समथिंग टू हैपन और राइट or react right away whatever I want. So events, that means whether you are clicking a mouse, you are pressing a button, you are tap on your screen. So basically अगर हम लोग बोलेंगे ये बिल्कुल फिजिकली वैसे ही होता है जैसे हम लोग डांस कर रहे हैं और आपसे बोला जाएगा कि 1 2 3 start, आपके कोरियोग्राफर जो भी है या आपका जो टीचर है उसने आपको बोला है कि मैं आप से 3 तक काउंट करूंगा और उसके बाद आपको अपने डांसिंग मूव स्टार्ट करना है. सो 1 2 3 start. या आपने देखा है इस तरीके से, सेम हियर. इधर हमें कंप्यूटर को क्या, कंप्यूटर को भी तो क्या कुछ हमें कोडिंग में लिख के देना पड़ेगा ना कि व्हेनेवर आई एम क्लिकिंग अ माउस और प्रेसिंग अ बटन और टैपिंग ऑन द स्क्रीन, सो यू हैव टू डू व्हाट आई एक्चुअली वांट. ओके, सो सेम हियर वी आर गोइंग टू डू. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. Now, अभी हम लोगों को अपनी कोडिंग देखना है. कोडिंग दैट मीन्स दिस इज अवर टूल बॉक्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इधर से हमने चीजों को ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया अपने वर्क स्पेस पे. अभी देखो जो कैरेक्टर हमने चूज किया यहाँ पे, कैट हम लोग सेंटर में चाहते हैं, बट मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि व्हेन आई एम प्रेसिंग द अप की, अप की तो क्या करेगा, जो कैट्स रहेगी वो क्लैप करेगी इन विच डायरेक्शन, इन राइट वर्ड्स. ओके, सो इन विच डायरेक्शन, टूवर्ड्स राइट वर्ड, वो हमारा क्या करेगी, क्लैप करेगी. नाउ अगेन यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से फंक्शनिंग की है, व्हेन राइट की इज प्रेस्ड और डाउन की इज प्रेस्ड, इट इज अप टू यू आपको किस तरीके से उसको एनिमेट करना है, अपनी चीजों को, अपने इमेजिनेशन को आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है. मैं अगेन एंड अगेन आपसे ये बोल रही हूँ, तो इधर देखेंगे ये मेरा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बस आपके अंदर डाल रही हूँ. सपोज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप राइट की प्रेस करोगे तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो कैट है वो क्लैप करेगी या डिस्को करेगी, या दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज. आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, आप जो इसमें प्रॉपर्टीज सेट करेंगे वही वो आपका जो आपका कैरेक्टर रहेगा वो उस तरीके से फंक्शनिंग करेगा. तो इस तरीके से आपको चीज़ों को, इवेंट ब्लॉक का यूज़ क्या होता है इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है. जब हमारा ये चारों जिस तरीके की हमने प्रोग्रामिंग है लिख जाएगी, अब हम लोग क्या करेंगे, रन बटन पर क्लिक करेंगे एज यू कैन सी ओवर हियर. बट फॉर दैट वी हैव टू चूज वन म्यूजिक. ओके, बिकॉज दिस टाइम वी वॉन्ट वट एवर आई एम राइटिंग ओवर हियर वी वॉन्ट विद म्यूजिक. ओके, सो म्यूजिक के लिए अब आपको क्या करना है, इधर चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये देखिए जिस तरीके से अगर आप ब्लॉकली मोड में लिखोगे तो दोनों को फिक्स होके टक आवाज आनी चाहिए. इधर आप देखेंगे कि हमारा म्यूजिक का बटन होता है, आप म्यूजिक अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं. आप इधर से चूज कर सकते हैं, बाहर से भी म्यूजिक ले सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द मेजर. मेजर दैट मींस वन मेजर दैट इज 4 बीट. ओके, बेसिकली आपको ये देखेंगे, आप इधर ये जो ग्रीन बटन में अगर आप देखेंगे ये जो मेजर यहाँ पे, दिस इज द इवेंट ब्लॉक, यहाँ पे मेजर सेट होता है. इसके बाद हम लोगों को एक्शंस डालना होता है कि हमें करवाना क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते. अभी ये मेजर होता क्या है, मैंने इधर डाला हुआ है, तो लेट मी टेल यू ओवर हियर. देखिए जब आप देखते हैं कि आपको कोई भी जो डांसर होता है या कोरियोग्राफर होता है या कोई भी आपका टीचर होता है, तो वो क्या करता है, आपको बोलता है कि एवरी 4 स्टेप आपको या सेम स्टेप 2 टाइम रिपीट करना है या 4 टाइम रिपीट करना है, देन यू हैव टू चेंज योर पोजीशन. सो द सेम वी आर डूइंग ओवर हियर. कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू फोकस ऑन योर मेजर बटन. अगेन आई एम गोइंग टू शो यू, यू हैव टू सी हाउ यू आर डूइंग. यू कैन चूज द साइज ऑफ द कैरेक्टर, बट आपको इसमें श्योर रहना है कि जो सेट ब्लॉक रहेगा कम्स आफ्टर द मेक न्यू डांसर ब्लॉक. सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आपको इन चीज़ों का याद रखना है. वीडियो को एकदम लास्ट में, लास्ट तक देखना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको लास्ट में मिलने वाली है. सो मेरे साथ बने रहिए आप. नाउ लेट्स स्टार्ट माई क्रिएटिविटी, व्हाट आई डिड, हाउ आई कोरियोग्राफ माई डांस, लेट्स सी.
हियर मैंने एक कैरेक्टर का साइज भी चेंज किया है, लेट्स सी। एज यू ऑल कैन सी, जैसे कि इधर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चूज किए हैं। अभी जो कैरेक्टर मैंने किए हुए हैं, मैंने इनको स्क्वायर में आपका लगाया हुआ है। आप चाहें तो कैरेक्टर को सर्कुलर भी ले सकते हैं। आप बेसिकली प्लेंटी ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। दीज आर सम प्रोजेक्ट डिज़ाइन बाय माई स्टूडेंट। सो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी डाल डाल के इस तरीके के प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हुए हैं और मुझे एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजा हुआ है कि देखिए मैम मैं ये भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, माई किड्स आर ऑल्सो इन्जॉइंग। नाउ हियर आई हैव टू शेयर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए मैंने अभी तक आपको रोक के रखा है वीडियो पर, और मैंने आपको बोला था कि एकदम लास्ट में मैं आपको बताऊँगी। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग और हम लोग एक सर्टिफिकेट भी बैक कर सकते हैं। अभी ये जो सर्टिफिकेट रहेगा माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने code.org के साथ पार्टनरशिप में आके ये बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट देने का डिसीजन लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरी बहुत सारी जो पेड क्लासेस चलती हैं उसमें मेरे बच्चों ने ये जो सर्टिफिकेट है वो बैक ऑलरेडी कर लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ आपके साथ भी इस तरीके का, अगर आप क्रिएटिव हैं और आपके अंदर इमेजिनेशन है तो इस तरीके के सर्टिफिकेट आपको भी बैक करना चाहिए। मैंने भी किया है, इधर मैं आपको फुल प्रूफ दिखाने वाली हूँ, और वो हमारा जो सर्टिफिकेट रहेगा वो रियली वैल्यूएबल है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर code.org के साथ पार्टनरशिप में आ रही है तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स रियली मतलब लोगों का रहता है ना कि फर्जी सर्टिफिकेट होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। इधर मैं आपको आपको अपना सर्टिफिकेट शेयर करने जा रही हूँ। सो बी विद मी अगेन, मैं आपसे यही बोलूँगी इस चैनल को सबसे अगेन मैं आपसे यही बोलूंगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करवाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की फ़न फील्ड और फ्री एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ लाने वाली हूँ। बहुत सारा मटेरियल मैं आपके साथ फ्रीली शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ बी विद मी, क्योंकि और अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं और कहीं ना कहीं मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। मैं हर एक लेक्चर में यही आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट बी विथ मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि किस तरीके से मैंने सर्टिफिकेट को बैक किया है। अब आपका टर्न है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बैक दिस सर्टिफिकेट, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे यस करके लिखिएगा, जिससे मैं भी आपके लिए सर्टिफिकेट बेसिकली आपको नंबर ऑफ क्लासेस और भी नंबर ऑफ वीडियोज इसी तरीके के फ्री कराने की कोशिश करूंगी। सो यू विल इजीली बैक दिस सर्टिफिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो प्लीज बी विद मी। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। इन द अपकमिंग क्लासेस हम लोग इसी तरीके से फन फील्ड और फ्री एक्टिविटीज के साथ मिलने वाले हैं। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।